कैपेसिटर का क्वेश्चन आपके लिए है, ये नीट 2022 में आया हुआ है। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर एक कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें डिस्टेंस को अगर डबल कर दें, और डिस्टेंस को अगर मैं डबल कर दूं और उसका एरिया जो है उसको आधा कर दूं, और उसका इनिशियल कैपेसिटेंस अगर सी है तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? तो आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, ए एरिया है, डी डिस्टेंस है, तो इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये कितना होगा भाई? तो वो पूछ रहा है। तो नया कैपेसिटेंस अगर मैं सी डैश मान लूँ तो एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया को हम लोग हाफ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बाई टू इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को कितना कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2d। तो इसको अगर मैं लिख लूँ तो ये नीचे 2 टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4d। तो जो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था वो 4 से डिवाइड हो गया, मतलब नया वैल्यू कितने के बराबर आ गया? c बाई 4। सो दिस इज द आंसर। तो अगर आपको ये समझ आया तो आपके लिए एक क्वेश्चन है